नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। हरियाणा पंचायती राज के चुनाव जनवरी माह के अंत या फरवरी के शुरू में होने की संभावना जताई जा रही है। इस बारे में करनाल केंद्री में पंचायती चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंद्री के BDPO अंग्रेज सिंह मौर ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज के चुनाव जनवरी माह के अंत या फरवरी के शुरू में होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पुरानी पंचायतों का कार्यकाल फरवरी माह में समाप्त हो जाएगा। इसके लिए वोट लिस्ट तैयार की जा रही है, लेकिन जो फाइनल लिस्ट है वो नई वोट जनवरी माह में बनेगी। वो लोग भी पंचायत के चुनाव में अपनी वोट डाल सकेंगे। मौर ने कहा कि इसमें SC का 20% छोड़कर जो बचेगा उसमें से 8% BCA का होगा, 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है। उन्होंने बताया कि जो आरक्षण का ड्रॉ होगा वो SDM की अध्यक्षता में निकाला जाएगा। जो पंचायतों को यूनिक नंबर दिए गए हैं उसमें ओड इवन के हिसाब से चुनाव होगा। इसमें क्या कह दें, ठीक है जी। चलो हम भी हाथ से बदल देंगे कुछ है पंचायत में जाएगी और अपना दर भी आएगी पंचायत वो पूरा काम खड़ा कही जाएंगे वो जी माता जी सारे ना सारे कोई गाड़ियों में मिला कोई कहीं मिला कोई गेर खाना पड़ा करो यू इंटरेस्टेड है ज्यादा नहीं कौन जी ना है भाई जी यू नहीं सोच रही तेरा बाद सी मुकाम चली जा रही है पंचायती चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन उसके लिए क्या क्या तैयारी है प्रशासन की ओर से? देखिए पंचायती राज के जो चुनाव हैं अभी आने के अंदर वो जनवरी के लास्ट या फरवरी में होने की संभावना है। वैसे मोस्टली फरवरी में ही इलेक्शन होते हैं क्योंकि पुरानी पंचायतों का जो कार्यकाल है वो फरवरी में समाप्त हो रहा है। इसके बारे में वोट लिस्टें तैयार की जा रही हैं, लेकिन जो विधानसभा की फाइनल वोट लिस्ट है वो जनवरी में फाइनल होगी। वो वोटें भी जो नई वोट बनेगी विधानसभा की वो भी अपनी वोट पंचायती उसमें डाल सकते हैं, उनको भी हम वार्ड वाइज करते हैं। अच्छा, BCA को कुछ इसमें दिया गया आरक्षण दिया गया है? इसमें जो SC का पहले 20% है वो निकाल के उसके बाद जो पंचायतें बचेंगी उनमें 8% जो है वो BCA के लिए दिए गए हैं। BCA के लिए ये एक सरकार की नई पहल है। नई जैसे है कि BCA के लिए 8% और लेडीज के लिए 50% सीटों की घोषणा की है। जो रिजर्वेशन का काम है वो SDM या की अध्यक्षता में होगा। जिस दिन भी कोई हमारे पास डेट आएगी उसके लिए तैयारी पूर्ण है हमारे पास BCA की और SC की रिजर्वेशन के लिए। लेकिन इसमें जो महिला का के लिए रिजर्व होना है वो ऑर्डिनल फार्मूले के हिसाब से होगा, उसमें पंचायतों को यूनिक नंबर दिए जाएंगे, उसी के हिसाब से सम विषम के तरीके से ही पंचायतों में लेडीज आएगी, सब में लेडीज भी सब में जेंट्स। तो फरवरी में चुनाव होने से हाँ तो उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई? पूरी तैयारियां है हमारी इलेक्शन की, जैसे सरकार के निर्देश होंगे उसी हिसाब से कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। तो जल्द ही घोषणा हो सकती है? जल्द ही घोषणा हो सकती है चुनावों की। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.